नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन की एक शानदार जानकारी के साथ। और दोस्त, अगर आप बकरी पालन करने की सोच रहे हैं तो काफ़ी खास रहने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज की वीडियो में। चूँकि दोस्त, बहुत सारे लोग बकरी पालन आज भी शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें से बहुत सारे लोगों ने फार्म को अपना बंद कर दिया है। तो कुछ इसी तरह की घटना इस फार्म में भी घटी थी। जब ये शुरू हुआ था मात्र 2.5 महीने के बाद ऐसा त्रासदी आया कि फार्म ये बंद होने के कगार पर आ गया था। तो वो त्रासदी क्या थी और फिलहाल इनके फार्म में कितने बकरी है, कितने बकरी से इन्होंने फार्मिंग की शुरुआत की थी, आवास प्रबंधन कैसा है, भोजन का प्रबंधन कैसा है, तमाम तरह की जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही सावधानी के विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। तमाम तरह की जानकारी हमारे साथ खान सर हैं जो आपको देने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। नीरज जी, आपका भी स्वागत है, हमारे यहाँ आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने सफर के बारे में सर बताएं कि बकरी पालन की शुरुआत आपने कब की थी? सफ़र तो सर हम सितंबर 2021 से चालू किए थे, लेकिन नवंबर में ही झटका हमको जो लगा, तो नवाज भाई बेचारे थे कि हम फिर खड़ा हो गए। क्या झटका लगा था, इसमें गलती किसकी थी? हमको समझे में नहीं आया कि हुआ क्या। आप PPR का शिकायत, नवाज भाई आए तो बोले कि PPR आपको तो पकड़ लिया सब के वजह से, लेकिन 9 बजे रात तक जो इंजेक्शन उसको मारे तो जाके बोले कि अब ठीक है, अब आप लोग मेहनत करिए। तो हम लोग उसमें सब पाँचों बाले बच्चे मिल के पूरा मेहनत किए, जैसे जैसे ये लोग बताए, क्योंकि हमारे उस्ताद नवाजे भाई है, तो जैसे जैसे ये लोग बताए वैसे वैसे हम लोग किए। लेकिन ये है कि ऊपर वाले का देन है, जितना अठन्नी चमनी छोटा बहुत था वो डेट कर गया, लेकिन बड़ा सब बच गया हमारा। तो शुरुआत कितने बकरी से आपने की? लेके बंद कर दे, 10-12 सीखे थे, फिर नवाज भाई और 10-15 दे दिए, मतलब 25-30 हम लाए खरीद के, आप 20 खस्सी लाए। और अभी जैसे आप लोग के द्वारा हमारे पास बच्चा बड़ा मिला के 70-75 पीस है। यानी कि PPR का आगमन आपके फार्म में हो चुका है? हाँ, हो चुका है। और उस समय लगा था कि भाई फार्मिंग बकरी बंद कर देंगे हम, सौ एकदम सोच लिए थे बंद कर देंगे, लेकिन नवाज भाई बोले कि नहीं, चीटी। कहीं ना कहीं नवाज भाई का हाथ है जिस वजह से आज पूरा है, कहीं ना कहीं पूरा उन्हीं का हाथ है, हम तो खाली ऐसे मैनेजमेंट में है बस। तो ये बकरी पालन में उतरने की आपने सोची, क्या नजर आया इसमें आपको? इसे हम देखे कि अब तो घर पर रहना है और कहीं जाना नहीं है, विदेश का हम रहते थे पहले सऊदी अरब, पहले सऊदी अरब जी, तो विदेश हम छोड़ दिए, उसका जो घर पर रहना है तो अपना काम है। अब दूसरा के बेगारी करने से अच्छा है कि अपना काम हम कर रहे हैं, दूसरा के जो जी हजूरी करेंगे उससे अच्छा है कि हम अपने अपना मालिक अपने। तो लगभग 1.5 साल बकरी पालन में आए हुए सर आपका हो गया, तो कैसा लग रहा है? ना, हमको तो अभी ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, अभी तो हमको बिल्कुल ठीक। अभी देखिए शर्ट पैंट जूता पहन के चलते, हाँ, पहले तो हम झाड़ू मारते थे अपने से। लेकिन जब तक बकरी फार्म में एक ही चीज़ हम अनुभव किए कि जब तक आप खुद नहीं इसको देखिएगा, साफ सफाई, मैनेजमेंट, दवा, बकरी का एक्टिविटी, जब तक आप बकरी फार्म नहीं से, यानी कि दूसरे के भरोसे बकरी पालन नहीं कर सकते। अब नवाजे भाई हमारे है, अब बेचारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, अब आते आते भी आएंगे या नहीं भी आ सकते बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमको तो देखना है ना कि फर्स्ट एड तो करना पड़ेगा, तो हमको खुद करना। तो सर, ये आप ही आपके फार्म में सर कितनी बकरियाँ हैं और उसकी नस्ल कौन सी है? अभी जो हमारे पास है सर, कुछ ब्लैक बंगाल भी है 4-5, उसके बाद क्रॉस ब्रीड है, बतीसा का हमारे पास है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है बतीसा, और बरबरी भी कुछ है, और उसके बाद जो है सो हमारे पास सोजत का भी है। यानी कि 4-5 नस्ल हमारे पास, 4-5 नस्ल की फार्मिंग आप करते हैं, तो सबसे बढ़िया इसमें से कौन आपको लगा? बढ़िया हमको लगा बतीसा और बरबरी, और ब्लैक बंगाल का भी जो बड़ा पेट वाला बकरी है वो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा है। तो अभी तक 1.5 साल के दौरान सर कुछ इनकम वगैरह हुआ है इससे? इनकम हुआ है, इनकम अभी 2022 में हम लोग 1.5 लाख का बेचे, 1.5 लाख का बेच दिए, 1.5 लाख का बेचे, प्रॉफिट भी है। अभी भी लग रहा है पास है। और अभी भी सर आपके फार्म में मैं खस्सी दे, जो बढ़िया खस्सी है वो भी तकरीबन सर हमारे अंदाज से मोटा मोटी हमारे पास 10-12 लाख का, 10-12 लाख का है जी। तो कितना पूंजी लगाए थे सर? पूंजी इसमें सर हम एक बार नहीं लगाए पूंजी, हम इसमें तकरीबन वही 2.5 से 3 लाख रुपये लगाए, और अभी 12 लाख का है जी आपके सामने है, देखिए आपके सामने है, देख सकते हैं। तो भोजन हमारे को शाहरुख के खाने देख लीजिए, सबसे पहला बकरी हमारा बच्चा है। अच्छा, एक शाहरुख खान भी, शाहरुख खान। चलिए हमारे दोस्तों को दिखाइए फार्म के अंदर, मैं आपको दोस्त लेकर चलता हूँ, और खान सर के जो शाहरुख खान है उससे आपकी मुलाकात करवाता हूँ भाई। आपको आदमी नहीं वफादार होगा जितना वो वफादार। तो खान सर, ये आपका शाहरुख खान है? ये शाहरुख खान। इसकी उम्र कितनी है? 2 साल का हो गया, यानी कि 2 साल उम्र इसका हो गया, 2 साल उम्र हो गया, लेकिन अभी 4th दांत नहीं तोड़ा है ये। अच्छा, 4 दांत अभी नहीं तोड़ा, अभी नहीं हुए, अभी 2 दांत हो गया। ये कुर्बानी के पर्पस से है ना? हाँ, कुर्बानी के पर्पस है, लेकिन इसको हम सेल नहीं करेंगे, लेकिन घर का लोग बोलते हैं सेल कर दीजिए, क्योंकि इसमें इतना ना लगाव हो गया है, ये साथ ही हमारे सोता है बिस्तर। सलमान खान भी आपके फार्म में है? सलमान खान नहीं, बॉस है। अच्छा, बॉस है, बॉस है, बॉस। ये आपका ब्रीडर भी है ना? हाँ, ये ब्रीडर है, इसको जो है हमारी वाइफ से बहुत लगाव। अच्छा। एकदम यहीं पे खड़ा होगा और बोलेगा अम्मा अम्मा,
उतना अपना बच्चा नहीं बोले जितना ही बोलेगा अम्मा अम्मा। यानी कि आपके फार्म का ये बॉस है, बतीसा नस्ल का ये ब्रीडर है जी। तो आपके फार्म में भी एक ही ब्रीडर है? नहीं, दो ब्रीडर था, एक ब्रीडर अभी हम दे दिए तिवारी जी को। अच्छा, ओंकार बाबा के हैं जो बतीसा नस्ल का ब्रीडर है, वो आप ही के यहाँ से गया? हमने यहाँ से गया। तो सर आप डेढ़ वर्ष से बकरी पालन के व्यवसाय में हैं, तो डेढ़ वर्ष के दौरान ऐसी कोई गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, गलती तो वही स्टार्टिंग में हम किए कि हमको टीका लगा देना चाहिए था, लेकिन टीका हम नहीं लगाए। हम बोले कि इतना गांव देहात में रखे हुए लोग तो कहाँ टीका लगा रहा, लेकिन टीका न लगा के हमको कुछ लॉस हुआ। बाद में जब टीका लगाए तो फिर सब कंट्रोल हो गया। अभी टोटल हमारे पास जो भी है सब एकदम फुल वैक्सीनेट। यानी कि आपके कहे अनुसार अगर कोई भी बकरी पालन करे तो सबसे पहले उसका टीकाकरण आप करें? टीकाकरण जरूरी, बिना टीकाकरण का न रखे और शुरू करे तो कम से करे, ज़्यादा से नहीं। अभी जो बकरी पालन सर कर रहे हैं, कितना एरिया है उसका? ये अभी पूरा एरिया हमारा जो है इसलिए 2 कट्ठे का है, 900 स्क्वायर फीट का हमारे यहाँ होता है 1 कट्ठा। बकरी को घूमने के लिए भी जगह है और उसके बाद स्पेस जो है हम दिए हैं ये सब इसको घूमने के लिए। अच्छा। और अंदर में एक गोदाम बनाए हैं, वो एक्चुअली गोदाम हम बनाए हुए थे अलमीरा के काम के लिए। तो वो कहावत है ना कि अपनों ने लूटा है घरों में कहाँ दम था, तो वो यहाँ हमारे साथ अपनों ने किया और अलमारी का काम है डुबा दिया, तो उसी में बकरी को रात में रखते हैं विश्राम के लिए वहाँ। विश्राम के लिए अब इसको हम बना रहे हैं सिस्टम। अब नेक्स्ट टाइम आप आइएगा इंशाल्लाह ईद के बाद, तो आप देखिएगा पूरा सिस्टम कम्प्लीट रहेगा। तो इन भोजन का प्रबंधन सर कैसा है आपका? भोजन जो है सो हम इसको सुबह में देते हैं इसको मसूर का भूसा, गेहूँ का भूसा और मकई का दर्रा, और उसको फिर शाम में जो है सो हम गेहूँ वाला जो चोकर आता है माल गोरू के खाने वाला, तो चोकर उसको मिक्स करके, आ एक हमारे पंडित जी बताए थे कि सबसे बेस्ट उसको करिए कि मीठा पानी में घोल के उसको दीजिए तो सब खाएगा। अब बात सही है कि सब खा जाता है, पूरा खा जाता है, छोड़ता भी नहीं, आ वही हम देते हैं बस। तो हरा चारा सर नहीं देते? हरा चारा हम कभी कभी एक आदमी है जो आता है तो ला के दे देता है, लेकिन हरा चारा उतना हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। सर काफ़ी खर्च गिरता होगा? हमको तो नहीं लगता खर्चा। कितना खर्चा गिर जाता होगा? हमको लगता है कि एक बकरी पे 10-12 रुपया होगा बस। यानी कि हरा चारा आप नहीं देते हैं, स्टॉल फील्ड पर रखते हैं, अनाज देते हैं, भूसा देते हैं, उसके अलावा 10-12 रुपये अनाज कहाँ देते हैं? हम तो वो खाली वो भूसा दे रहे हैं, गेहूँ का भूसा, मसूर का भूसा और उसमें 1-1.5 प्याला ई डाल दिए, मकई का दर्रा बस, और वही खा के देखिए सब मस्त है। जो खांसी आपने तैयार किया है जैसे आपने सलमान खान को दिखाया हमारे दर्शकों को, तो वो भी उसी फीड से? वो जनरल वही, एक्स्ट्रा नहीं दिए? एक्स्ट्रा नहीं दिए, जनरल में। तो उसके अलावा भी कितने खांसी? खाना इतना देते हैं कि बोले ना। अच्छा, लेकिन उसके अलावा कितना खांसी आपके पास उपलब्ध है? अभी हमारे पास 35 खांसी है जो दांत तोड़े हुए कुर्बानी में बिक्री की। यानी कुर्बानी में अगर कोई बात भाई बंधु कुर्बानी के पर्पज से अगर लेना चाहे आपके यहाँ से खांसी तो आप प्रोवाइड करा देंगे? जी जी जी। तो उसका क्या रेट रहा है सर, केले से केजी से देंगे या पीस से देंगे? केजी से चलते हैं सर, केजी से ना देंगे, केजी से देंगे जी। कौन सा नस्ल है सर ये? नस्ल तो 3-4 नस्ल है, ये देखिए ना 3-4 नस्ल है, दिखाइए हमारे दर्शकों को। तो ये हमारे दर्शक जो देख रहे हैं यही है ना? जी, ये भी दता हुआ है। अच्छा, ये शायद ये तोता पड़ी का है? ये तोता पड़ी क्रॉस में है, तोता पड़ी का क्रॉस है। ये गुलाबी कान वाला है, गुलाबी कान भी है। और ये गुलाबी कान में है? ये सोजत है, ये सोजत है, ये सोजत है। बॉडी वेट कितना होगा सर इसका? बॉडी वेट होगा 42 किलो, 42 किलो हो सकता है। ये सिरोही का है, यानी कि 2-3 नस्ल का आपके पास खांसी भी है? खांसी हमारे पास सिरोही का है, सोजत का है, वो जो है सो गुलाबी लाल कान में है। यानी कि 3-4 नस्ल का खांसी आपके पास उपलब्ध है, अगर जो भाई बंधु कुर्बानी के पर्पज से अपने यहाँ खांसी लेकर जाना चाहते हैं आपके यहाँ से, तो वो आप उनको दे सकते हैं। ये क्रॉस ब्रीड का भी दुगो है, ये क्रॉस ब्रीड में भी है। ये सब जो बच्चे हैं सर आपके घर के हैं? हाँ, बच्चा अभी आपको हम दिखा रहे हैं, बच्चा अभी जो हमारे यहाँ नया प्रोडक्शन आया है, लगभग 20 बच्चे। नहीं, ये जो तैयार है जो खांसी आपके पास है ये आपके घर का है? इसमें कुछ जो है सो लाए थे नवाज भाई के यहाँ से, बाकी सब हमारा घर का है। अच्छा, घर का है जी। तो अभी आपके फार्म में सर मदर रूट की संख्या कितनी है? 33 जी। और बच्चे की संख्या अभी कितनी है? बच्चे की संख्या अभी हमारे 12 पीस। और 33 में से कितने मदर गोट है, किस नस्ल के हैं? उसमें सब मिक्स है, दो जो है सो ये है बतीसा है, बतीसा 2 ही पीस हमारे पास है, उसके बाद बरबरी है, क्रॉस ब्रीड में बकरी है, उसके बाद 5-6 जो है सो देहाती है, ब्लैक बंगाल। अच्छा। तो सर ये बताइए कि डेढ़ वर्ष से कर रहे हैं, आपको मुनाफा भी हो रहा है, और आपने बताया कि मात्र 10-12 रुपया खर्च करते हैं, स्टॉल फिट पर रखते हैं, तो चूंकि हमको भी आश्चर्य लग रहा है कि इतना कर रहे हैं फिर भी मात्र 10-12 रुपये में अपने बकरियों को खिला दे रहे हैं। जो लोग बकरी पालन करना चाहते हैं, जो सामने से देख रहे हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पर? सलाह हम यही देना चाहेंगे कि बकरी कम से चालू करें, आप पहले उसका मतलब कि लाए तो टीकाकरण करें, और नहीं टीकाकरण करिएगा तो जैसे बीच में हम बंद करने के कगार पर थे, तो नवाज भाई के जैसे आदमी हमारे साथ थे कि हम फिर आगे बढ़ गए, और नहीं तो बंद हो जाए। क्योंकि देखिए एक एक जानवर का दाम होता है 15,000, 20,000, 15,000 से कम नहीं होते। अगर वो 2-4 मर गया तो ख़त्म कहानी, हिम्मत भी टूट जाता है, हिम्मत नहीं पूरे टूट जाता है। तो इसके लिए हम कहें कम में जानवर से चालू करिए, लेकिन
बढ़िया से करिए और खाने का स्टॉक करके करिए। भोजन का स्टॉक कब करना चाहिए सर? आप कब करते हैं? पैसा के टाइम में है कि गेहूँ का भूसा ले लीजिए, मसूर का रबिया वाला ले लीजिए, और दर्रा तो कभी भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा ठंडा, हम इस बार के ठंडा में ये किए कि सुई दवाई न देके आप सरसों का खल्ली खिलाइए ना, एक का रोआना फूटेगा। यानी कि बीमारी से बेहतर है उसका बचाव, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको भी नहीं मालूम था, तो हम उसको सुइया दे दे के उसको कहिए कि भाई ठंडा ना लगे, लेकिन एक बहुत तजुर्बेकार आदमी हमको बताए कि बउआ ये क्या कर रहे हैं आप खल्ली का पाउडर खिलाइए ना, सरसों वाला, सरसों का खिलाए, पूरा एकदम टाइट है हमारे। तो सर जाड़ा गर्मी बरसात तीन मौसम हमारे बिहार में या हमारे कहे तो देश में है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किस मौसम में होती है? ठंडा में, जाड़ा में। जाड़ा में बचाव के लिए आप उसको सरसों का खली देते? सरसों का खली। और भी कुछ? और कुछ नहीं, एको कुछ। अब इतना बकरा बकरी को हम चट्टी कहाँ से बनाएंगे? संख्या तो ज़्यादा है, 75 बकरी है, तो चट्टी हम बांधेंगे तो बांधते बांधते शाम हो जाए और खोलते खोलते सुबह हो जाए। सही बात है, वो संभव नहीं है, बहुत संख्या ज़्यादा है तो भाई उसमें दिक्कत होगा। इसका पूरा मैनेजमेंट समझिए तो हमारी वाइफ ही करती है देखरेख। अब पहले हम करते थे, पहले हम खुद से 6 महीना झाड़ू भी लगाए, सब कुछ किए, लेकिन अब जो है से लड़की एक रखे हुए है, अब बाकी इसका देखरेख जितना है वो सब हमारी वाइफ करती है। आ कोई दिक्कत हुआ नवाज भाई से बात किए, नवाज भाई बताए, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। चूँकि आप तो सऊदी रिटर्न है, वहाँ का भी सुख देख लिए हैं भाई, क्या वहाँ स्थिति होती है। बहुत सारे लोग आज भी हमारे भाई बंधु जो बिहार के हैं और सऊदी में काम करते हैं, और वो लोग भी अगर आकर बकरी पालन शुरू करना चाहें तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज ये देंगे, पहले उनको हिम्मत जुटाना पड़ेगा, हिम्मत चाहिए, पूंजी चाहिए, अब बैक सपोर्ट अगर है तो और अच्छा है। अन्य तो वो जो आजकल वो निकला है ना भोजपुरी गाना के, नून रोटी खाएंगे तकिया संगे लगाएंगे, तो उस अपना देख के करिएगा तो फेल हो जाएगा। जब कितने दिन के बाद इसमें इनकम शुरू हो जाएगी? इनकम आप चाहिएगा 6 महीने के बाद भी होगा, लेकिन कम से कम 1 साल आपको बर्दाश्त करना हो, 1 साल आप बर्दाश्त कर लिए तो कामयाब है, अन्य तो गए। तो बकरी पालन की शुरुआत अगर करें तो कैसे, किस तरह के बकरी, किस तरह के किस किस स्टेज की बकरी से शुरू करना चाहिए? प्रेग्नेंट बकरी लाइए, बतीसा लाइए, देखिए बतीसा का नमूना दिखाते हैं आप, ये बतीसा है, ये इसका देखिए 3 महीने का बच्चा है। आपके पास बड़े नस्ल की भी बकरी है, छोटे नस्ल की बकरी है? अगर बड़े नस्ल की बकरी की बात करें तो बतीसा सबसे बढ़िया आपको है? बतीसा बड़े नस्ल में सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया आपको लग रही है बतीसा? बड़े नस्ल में बकरी बतीसा सबसे बेस्ट है। छोटे नस्ल में बरबरी, छोटे नस्ल की बात करें तो बरबरी अच्छा है। अगर कोई भाई बंधु बड़े नस्ल की फार्मिंग करना चाहे तो बतीसा की फार्मिंग करे, और छोटे नस्ल की फार्मिंग अगर करना चाहे तो बरबरी से सारी फार्मिंग। अपना ब्लैक बंगाल, शायद आप क्रॉसब्रीड की भी फार्मिंग कर रहे हैं? क्रॉसब्रीड तो सबसे अच्छा है, क्रॉसब्रीड का बच्चा आपको हम दिखा रहे हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये क्रॉसब्रीड का बच्चा है और काफी शानदार भी है। कितना उम्र होगा इसका? ये सब 1.5 महीने का, कोई 35 दिन का है, कोई 45 दिन का है, सब अभी एकदम नया बच्चा है, अभी सब देख लीजिए एकदम सब हट्टा खट्टा है बिल्कुल। दोस्तों तो जो भी ये फार्मिंग में करते हैं, जो इन्होंने झेला है, किस तरह से अपने फार्मिंग को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तमाम तरह की जानकारी इन्होंने वीडियो के दौरान, इंटरव्यू के दौरान देने की कोशिश की है। और भी जो जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, गुड्डू सर आपको जरूर जवाब देंगे। और एक लास्ट में सर कि ये आपका जो फार्म है उसका एड्रेस क्या है? ये फार्म हमारा जो है ये गाँव का नाम है सुल्तानपुर, वार्ड नंबर 13, खान मोहल्ला, महनार बाजार है हमारा नज़दीक में, ये वैशाली जिला में पड़ता है। यार कोई आपके दिए पते पर आना चाहे तो आराम से आ सकता है? हमारा बिल्कुल मेन रोड पर है सर, हाजीपुर से अगर आप आना चाहते हैं तो महनार से 2 किलोमीटर पहले सुल्तानपुर पड़ता है, और नियरेस्ट हमारा जो है सो अपोजिट में बजरंगबली है, बजरंगबली चौक है, तो चौक में ये चौक देख रहा है, चौक के बगल में हमारा खान मोहल्ला है, वार्ड नंबर 13, सहदेई प्रखंड हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन जानकारी मिली आपके द्वारा हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों आपने सुना जिस तरह से ये फार्मिंग कर रहे हैं, तो सारी जानकारी इन्होंने आपको दी वीडियो के दौरान। तो ऐसी जानकारी कैसी लगी दोस्त कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे। दोस्तों बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए।